हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज हम इस वीडियो में 5 से 6 साल के बच्चे के लिए कान्हा जी के जैसे धोती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये हमने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है। इस कपड़े में धोती और कुर्ता दोनों हम बनाएंगे। कपड़े को इस तरह से ओपन कर लेंगे। इस तरह से इसको डबल में फोल्ड करना है। जो भी हमारे धोती की लंबाई है, तैयार लंबाई जितनी है उतना ही कपड़ा हमें फोल्ड करना है। मैं जो धोती बना रही हूँ उसकी लंबाई 25 इंच है, तो हम 25 इंच का इस तरह से लंबाई रखेंगे। इसमें हम कहीं भी सिलाई मार्जिन नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम ऊपर साइड बेल्ट ज्वाइन करेंगे, तो हमारा धोती 25 इंच का परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। बेल्ट हम 5 इंच का तैयार करेंगे। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब हम कमर का माप ले लेंगे। जिस भी माप का हम बना रहे हैं कमर का माप लेंगे, जो भी तैयार माप रहेगा उसका हम इस तरह से हाफ निकालेंगे। हाफ करके हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। मेरा 22 इंच है कमर तैयार, तो उसका आधा करके 11 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से फिर एक 11 इंच पे निशान लगाएंगे और एक 11 इंच का निशान लगाएंगे। टोटल हमें 3 पार्ट में निशान लगाने हैं, जो भी आपका साइज हो। मेरा 11 इंच आया, तो मैंने 33 इंच का निशान लगाया। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लंबाई में मैंने 25 इंच रखा है और चौड़ाई में 33 इंच रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे जो 11 इंच का निशान लगाए हैं इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बाईस इंच पे इसको फोल्ड कर देंगे और एक 11 इंच का जो पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से हम 6.5 इंच पे आसन के लिए निशान लगा लेंगे। इसके बाद इधर साइड हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे कॉर्नर से। इधर भी कॉर्नर से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से जहाँ तक हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया वहाँ कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इधर साइड भी कटिंग कर देंगे। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको इधर साइड से कट करके अलग कर देंगे। हमारे धोती कटिंग हो गई है। इसमें हमें ज़्यादा कटिंग नहीं करना होता है। इस तरह से हमारा 2 पार्ट हो जाएगा। अब हम इस पार्ट को आमने सामने रखेंगे इस तरह से। दोनों पार्ट को हमें इस तरह से आमने सामने रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। इस तरह से आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे दोनों पार्ट में। ये हमने दोनों पार्ट में लेस लगा लिया है। अब जो धोती का सीधा वाला पार्ट है यहाँ पे हमें प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स की लंबाई हमें 6.5 इंच तक रखनी है। जितना भी मासन की कटिंग करते हैं उतना चौड़ाई हमें प्लेट्स डालना है। अगर आपको प्लेट्स डालने में प्रॉब्लम होती है तो मैं एक आसान तरीका बता रही हूँ। एक हम न्यूज़पेपर लेंगे, उसको डबल में फोल्ड करके रख लेंगे और 6.5 इंच तक जितना भी आप आसन लिए हैं उतनी लंबाई में हम न्यूज़पेपर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर ही प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह से प्लेट्स लगाने से 6.5 इंच का परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से न्यूज़पेपर के ऊपर रखना है और प्लेट्स डालते हुए जाना है। इस तरह से न्यूज़पेपर के ऊपर रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से प्लेट्स डालेंगे।
इसी तरह से दूसरे साइड का भी हम प्लेट्स लगा के रेडी कर लेंगे। अब हम पेपर को इसमें से कट करके निकाल देंगे। हमने दोनों साइड का प्लेट्स लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इसको इस तरह सामने सामने रखेंगे। इसके बाद हम ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला इधर का जो कटिंग किया हुआ आसन है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। यहाँ से जहाँ तक आसन कटिंग किया हुआ है वहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। प्लेट्स को अच्छे से बिठाते हुए हम पूरे आसन में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम ये वाले आसन को पकड़ेंगे और इसके ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि हमारा सीधा साइड आए। हम इस तरह से इसको अंदर साइड फोल्ड करके रॉन्ग साइड देखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यह वाला पार्ट हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद इधर साइड के पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे आसन को। इसके बाद हम इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इधर साइड का जो आसन है इसको हमें इसके ऊपर रख के स्टिच करना है इस तरह से। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे, दोनों आसन हमारा आमने सामने आना चाहिए। यहाँ पे सिलाई को डबल कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड आसन में सिलाई लगा लिया। इसके बाद ये जो हमारा पार्ट बचा हुआ है ये जो हमारा राउंड वाला पार्ट है यहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से 2 या 2.5 इंच का हम प्लेट्स बनाएंगे। मैं 2.5 इंच का बना रही हूँ। इस तरह से 2.5 इंच का प्लेट्स बनाते हुए ऊपर तक आना है। प्लेट्स बनाने के बाद हम सेंटर में इसको इस तरह से रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी प्लेट बना लेंगे। इसको भी सेंटर में रख के इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड का तैयार कर लिया। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले कमर का माप निकालेंगे।
जितनी भी चौड़ाई रहेगी उतना ही हमें बेल्ट का माप लेना है और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। बेल्ट की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे और कमर साइज जो भी हो उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके उतना चौड़ा कपड़ा रखेंगे। इसके बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए नीचे तक बेल्ट की सिलाई कर लेंगे। अगर आपको इसके कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इलास्टिक के लिए यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करेंगे। ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और जो भी इलास्टिक की चौड़ाई है उसका माप लेके उतना कपड़ा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरे बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा कपड़ा ओपन रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। इसके बाद हम इसको इस पार्ट से ज्वाइंट करेंगे, सेंटर को सेंटर से रखेंगे। और इसी तरह से पूरे बेल्ट में सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको सीधे साइड से बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अंदर का जो सिलाई मार्जिन का कपड़ा है उसको ऊपर साइड करके ही सिलाई लगाएंगे। हमने पूरे बेल्ट में सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। जो भी कमर का साइज है उससे 2 इंच या 3 इंच कम करके हम इलास्टिक कट कर लेंगे और इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। अब हम इस तरह से दोनों इलास्टिक को बाहर खींच लेंगे। और इसको एक दूसरे के ऊपर रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमने कपड़ा ओपन रखा था उसको भी सिल लेंगे। हमारा धोती बनके तैयार हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।